नमस्कार, यह है आपका पसंदीदा नंबर वन चैनल ईटीवी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश का नंबर वन शो बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज बिग बुलेटिन में बात हम हिमाचल प्रदेश की करेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को भी था, या यूं कहिए हिमाचल प्रदेश के हर वासी को भी। इंतजार खत्म हुआ। मंडी जिला के पड्डल मैदान में परिवर्तन रैली का मंच सजा। प्रधानमंत्री मोदी का लंबा चौड़ा भाषण भी हुआ, लेकिन शायद वो नहीं हुआ जो सूबे की आवाम चाहती थी। परिवर्तन रैली के मंच से देवभूमि को ना तो कोई नई सौगात मिली, और ना ही साल 2014 में जो मोदी साहब वादे किए गए थे उन वायदों की भी पूर्ति वाली कोई बात दोबारा से रिपीट नहीं हुई। कुल मिलाकर हम कहें कि मंडी में मंदी यानी मायूसी छाई रही। सौगात की आस में पीएम को सुनने आए लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। अब सवाल यह है कि देवभूमि में पीएम का खजाना आखिर क्यों नहीं खुला। कांग्रेसी खेमे में खासी हलचल है, और ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ही दिल खोलकर सौगात लुटाते हैं। ऐसे में सवाल यह है, क्या सिर्फ भाषणों की घुट्टी हिमाचल प्रदेश में बीजेपी जो परिवर्तन चाह रही है वो परिवर्तन ला पाएगी। बिग बुलेटिन में आज हम इन्हीं सवालात का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, जिसके जरिए हम समझने की और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आज परिवर्तन रैली में जब मोदी साहब आए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के क्या बोल रहे, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये हमारी खास रिपोर्ट। बीजेपी का मिशन 2017 जारी है। मिशन 2017 के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देवभूमि का रुख किया। चुनावी मौसम आने वाला है तो प्रदेश के लोगों में पीएम के दौरे को लेकर बड़ी उम्मीद थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मंडी में इस कदर मंदी छाई कि सारी उम्मीदें टूट गईं, सारे अरमान बिखर गए, और मिली तो सिर्फ भाषणों की घुट्टी। ये हिमाचल देव भूमि भी है, वीर भूमि भी है, ये वीरों की भूमि है। पड्डल के ऐतिहासिक मैदान पहुंचे पीएम मोदी ने 3 जल विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण किया, लेकिन किसी नई योजना का ऐलान नहीं किया और न ही कोई सौगात दी। हाँ, इतना जरूर बताया कि 15वें वित्त आयोग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश को 72,000 करोड़ की राशि दी जाएगी और इसका हिसाब जनता से लेने की अपील की। 15th फाइनेंस कमीशन में ये रकम हो गई है 72,000 करोड़ रुपया। कहां 21,000 करोड़ और कहां 72,000 करोड़ रुपया, इतना सारा धन दिल्ली के खजाने से हिमाचल के भाग्य को बदलने के लिए लगाया गया है। धूमल जी बड़ी चिंता जता रहे थे कि भारत सरकार इतना सारा धन दे रही है, लेकिन भारत सरकार जरा हिमाचल सरकार से हिसाब भी मांगे। उनकी बात सही है, हम ही क्यों, हिमाचल की जनता भी तो हिसाब मांगेगी। पीएम मोदी ने सूबे के उन पूर्व मुख्यमंत्रियों की तारीफ की जो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, तो मौजूदा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर बिना नाम लिए निशाना साधा। हालांकि वो वीरभद्र सिंह पर खुलकर हमला नहीं बोल पाए,
क्योंकि वो रैली स्थल के बगल वाले मंच पर ही बैठे थे। हिमाचल की जनता भली भांति जानती है कि जब जब यहां भारतीय जनता पार्टी को शासन चलाने का अवसर मिला, हमारे पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे शांता कुमार जी। हिमाचल के किसी भी कोने में चले जाइए, मुख्यमंत्री के नाते शांता कुमार जी की पहचान बन गई थी पानी वाले मुख्यमंत्री। पानी पहुंचाने का बीड़ा उठाया था उन्होंने। बाद में धूमल जी की सरकार बनी, धूमल जी की सरकार की पहचान बनी ग्रामीण सड़क वाले मुख्यमंत्री, गांव गांव सड़क की जाल बिछाने वाले मुख्यमंत्री। और अभी मुख्यमंत्री की पहचान क्या है मुझे बताना पड़ेगा क्या? क्या है भाई? ये फर्क है। पीएम की इस रैली से जहां हिमाचल प्रदेश खाली हाथ रहा, वहीं मंडी के बूढ़े जवान, किसान और बागवान खाली हाथ लौटे। किसानों को उम्मीद थी कि पीएम के इस दौरे से प्रोसेसिंग यूनिट का वादा पूरा होगा, जिससे उसकी फसल औने पौने दाम में नहीं बिकेगी, लेकिन ये वादा वादा ही रह गया। वहीं टूरिज्म से जुड़े लोगों को रेल कनेक्टिविटी की आस थी, लेकिन इस पर भी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। ईटीवी न्यूज के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। एक खास रिपोर्ट आपने देखी और अब बारी है परिचर्चा की। और परिचर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं प्रवीण शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ मंडी से ही जुड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी के ही नेता, प्रवक्ता और उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के गणेश दत्त जी भी हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के तीन लोगों को हम मौका दे रहे हैं, वो इसलिए कि जो सवाल इस रैली के बाद उठे उनका जवाब आप जनता को दे सकें ईटीवी के इस खास कार्यक्रम बिग बुलेटिन के माध्यम से। और सवाल उठाने वालों में आज स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं केवल सिंह पठानिया, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत है पठानिया साहब आपका। नरेश चौहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुलदीप सिंह तंवर साहब, सीपीएम के नेता। और इसके साथ चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी भूपेंद्र कुमार जिस्टू, डिप्टी न्यूज एडिटर ईटीवी हरियाणा, लेकिन संबंध हिमाचल से। बहुत बहुत स्वागत है जिस्टू जी आपका भी। पहला सवाल आज हम मौका कांग्रेस को देते हैं। केवल सिंह पठानिया जी, पीएम साहब आए और कुछ देर पहले तक जो सरकारी आयोजन था उसमें सीएम साहब भी रहे, गवर्नर साहब भी रहे, उसके बाद फिर रैली शुरू हुई। उस रैली के बाद जो कांग्रेस के नेता हैं उनके बयान आ रहे हैं कि ये जो सौगात हिमाचल प्रदेश जिसका इंतजार कर रहा था उसमें कोई सौगात नहीं मिली, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आज जहां तक प्रधानमंत्री की का रैली का संबंध है, मैं कहता हूं हर हिमाचली, 70 लाख हिमाचलियों को, क्योंकि आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने निराश किया है, क्योंकि बड़ी आस थी जिस तरीके से रैली को लेकर प्रचार किया जा रहा था कि हिमाचल को बड़ी सौगात मिलेगी। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो आंकड़े, जो बातचीत आज मंडी के उस पड्डल मैदान में हुई, 72,000 करोड़ रुपए की बात हुई, हिमाचल प्रदेश की पर्यटन की संभावनाओं की बात हुई, हिमाचल प्रदेश में हमारे भूतपूर्व सैनिक रहते हैं उनको नमन करने की बात हुई, हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का प्रदेश है उसकी बात हुई, कुल मिलाकर सारी बातें वही हुई जो मैं कहना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी के बतौर प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सुजानपुर में आए थे, मंडी में आए थे और सोलन में आए थे। हम तो ये याद दिलाना चाहेंगे, जब आप चुनावों में गए थे तब हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ आपने हॉर्टिकल्चर की बात की थी, एग्रीकल्चर की बात की थी, बंदरों की बहुत बड़ी समस्या थे उस पर आपने सुजानपुर में टिप्पणी की थी। यही प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, सुजानपुर में कहा था हिमाचल प्रदेश के सेब जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको मार्केट में लिया जाएगा। कुल मिलाकर आज जो हिमाचल प्रदेश की जनता चाहती थी, और आज यही भी कहा कि हिमाचल प्रदेश की
जनता ने जब इन्होंने अनुरोध किया भरपूर समर्थन दिया, पहली बार चारों के चारों एमपी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो है वो जीत के गए, लेकिन हिमाचल की जनता को 2.5 साल के बाद प्रधानमंत्री का आना और उसके बावजूद मैं तो ये तुलना बड़ी मैं निंदा करता हूं जो मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने वर्तमान राजा वीरभद्र सिंह के बारे में उन्होंने टिप्पणी की, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दो मुख्यमंत्री ऐसे रहे, वो तो कुछ टिप्पणी नहीं की, वो तो कुछ इशारा सा कर रहे थे, इशारा सा कर रहे थे। पठानिया जी आप तो वैसे ही बुरा मान रहे हैं, इशारा किया उन्होंने वीरभद्र सिंह जी को लेकर, कुछ टिप्पणी की नहीं, वो तो इशारे को आप अपनी तरफ ले रहे हैं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? नरेश चौहान जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले हम जयराम ठाकुर साहब के पास चल रहे हैं जो मंडी से हमारे साथ जुड़े हैं। ठाकुर साहब आज प्रधानमंत्री जी आए और काफी लंबे समय से आप तैयारी कर रहे थे, पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे थे इस जनसभा के लिए, इस जनसभा से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई, ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। हिमाचल प्रदेश को लेकर आज हर चुनाव पे निराशा। ठाकुर साहब मुझे लगता है कि कांग्रेस नेता बहुत हताश हैं, निराश हैं, और उसकी वजह सबसे बड़ी वजह है कि ये एक बहुत बड़े एक भय के दौर में से गुजर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको ये मालूम होना चाहिए, जब हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर वो चुनाव से पहले आए थे, चुनाव के दिनों में आए थे, उनने कोई इस प्रकार की बात नहीं की थी जिसको घोषणा के रूप में कमिटमेंट के रूप में कहा जा सके, लेकिन उसके बावजूद उनने कहा था कि अगर अवसर मिला हम ये संभावनाएं निश्चित रूप से तराशेंगे ताकि जो है हिमाचल प्रदेश में विकास की गति को और तेज किया जा सके। और खास तौर से मुझे एक बात में हैरानी है, मतलब ठाकुर साहब माफ कीजिए, 2.5 साल आप बहुत बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका जो ये बयान है, आपका ये जो बयान है इसके मायने ये निकल रहे हैं कि जब मोदी साहब चुनाव के दौरान आते हैं और वहां पे भाषण देते हैं तो उनकी जो भाषण है या जो उनकी घोषणाएं हैं उनको उनके वायदे के तौर पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चुनावी वायदे होते हैं और वायदों से फिर मुकरा जा सकता है, कोई घोषणा पत्र नहीं था, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई इस प्रकार का वादा उन्हें निश्चित रूप में हिमाचल प्रदेश में वर्षों तक काम किया है, वो हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव से वाकिफ है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी परेशानी इनकी यह है कि हिमाचल प्रदेश में जब मंडी की रैली में आए थे, मैं मौजूद था वहां पर, और उनने मंडी की रैली में जो बातें कही थी वो भी हमारे ध्यान में है, लेकिन उसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो कभी भी किसी ने उम्मीद नहीं की थी मंडी की रैली का परिणाम जो ये होगा, जो सबसे कठिन सीट थी भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में, जिसको माना जा रहा था मुश्किल है, कठिन है, असंभव बोलते थे कुछ लोग, तो और वो सीट भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, और उसके बाद 2.5 साल के कार्यकाल में मुझे लगता है इनको वही तो कह रहे हैं कि चारों के चारों सांसद दे दिए, फिर भी जब मंडी में आए, अभी आने वाले समय में मंडी की सेतु बड़ी तो याद रही, लेकिन जो वायदा किया था लाहौल स्पीति के आलू बहुत ज्यादा बनने वाली है, बागवानों को, किसानों को यहाँ पर उद्योग लगाने की जो बातचीत कर रहे थे, वो जो बातचीत है वो वायदे उनको याद नहीं रहे, मंडी से उनका संबंध, हिमाचल से संबंध, मंडी की से मुझे लगता है कि आपको एक बात को अटल बिहारी वाजपेयी जी का हिमाचल प्रदेश से प्यार, ये सारी चीजें उन्होंने गिनवाई, लेकिन कांग्रेस के नरेश चौहान हमारे साथ हैं, शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार इनसे आपकी जो याददाश्त है उसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हुए ये शायद जो वायदे उस वक्त मोदी साहब ने करवाए थे वो गिनवा पाए। चौहान साहब कौन कौन से वायदे थे जिनकी उम्मीद आज आप कर रहे थे कि मोदी साहब आएंगे तो ये वादे पूरे होंगे जो नहीं हुए? देखिए निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में एक बड़ी उम्मीद जगाई थी पूरे देश के अंदर, और हिमाचल प्रदेश में भी वही उनका जो प्रचार का तरीका था बड़ा अग्रेसिव था, और वो इस तरह से प्रचार करते थे कि जैसे पिछली सरकारों ने इस देश में कुछ किया ही नहीं, जो कुछ नहीं हुआ है उसका सारा इल्जाम वो पिछली सरकारों पे देते रहे। हिमाचल प्रदेश में भी अंदाज वही रहा मोदी जी का कि देखिए हिमाचल प्रदेश से मेरा नाता है, मेरा दूसरा घर है, मेरा लगाव है लोगों से, मैं प्रदेश के कोने कोने में घूमा हूं और मैं 7 साल तक भारतीय जनता पार्टी का इंचार्ज के रूप में काम कर चुका हूं। हिमाचल के पहाड़ी लोग हैं, भोले भाले लोग हैं,
उनकी इन बातों में लोगों ने बड़ा विश्वास किया और उनकी झोली पूरी तरह से भर दी। चारों एमपीज जो है भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाल दी। अब मुझे आप बताइए क्या गलत किया हिमाचल प्रदेश के लोगों ने। नरेंद्र मोदी जी को और ठाकुर जयराम जी को भी मैं आदरपूर्वक ये कहना चाहूंगा कि मैं याद दिलाता हूं अगर आप भूल गए। वैसे तो परिस्थितियां देश में बदल चुकी है। मोदी साहब ये भी कह रहे थे कि जो हम पैसा दे रहे हैं उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, वीरभद्र सरकार में उसका हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, और जनता जो केंद्र से मदद मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और वीरभद्र सरकार को जो केंद्र से मदद मिल रही है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, जनता हिसाब मांगेगी, इसके क्या मायने थे? मैं आपके आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के जो भी सीए हैं वो भेज दीजिए, पूरा सरकार हमारा उनको हिसाब किताब देंगे। और जो कुछ ये बात कर रहे हैं बढ़ा चढ़ा के जिस बात को बोला जा रहा है, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, हमारे सीमित संसाधन है और हमेशा हमारे लिए एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस रहा है। इसमें जो भी बड़ी योजनाएं होती है हिमाचल की जो सरकार है वो भारत सरकार पर निर्भर करती है। इन्होंने कोई नया बजट नहीं दिया है, ये केवल आंकड़ों का जाल फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। जिस 72,000 करोड़ चलिए आंकड़ों के जाल को एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। गणेश दत्त जी इसका जवाब देंगे। गणेश दत्त जी, ये पूरा जो भाषण है ये आंकड़ों का माया जाल करार दे रहे हैं। आपके साथ बैठे हैं नरेश चौहान जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। वास्तव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के साथ एक भावनात्मक रिश्ता होने की बात कही है और उसको जोड़ा है, उससे हिमाचल प्रदेश की 70 लाख जनता उनके भावनात्मक भाषण से बहुत संतुष्ट है। भावना से बाहर आइए और प्रैक्टिकल अभी जमीन पर क्या हुआ है ये बताइए। उनकी भावनाओं के हम कद्र करते हैं, वो पूरा हिमाचल जानता है कि वो प्रभारी के तौर पर यहाँ पे रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी पार्टी में रहते थे, वो वाली बातें छोड़ दीजिए। जनता को जो उनसे उम्मीद थी आज वो उम्मीदें पूरी नहीं कर पाए, ये आरोप है। आज जिस प्रकार से 3 पनबिजली परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया, उससे पहले जैसे ही प्रधानमंत्री बने हिमाचल प्रदेश को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दे करके 90-10 की औसत से विकास के लिए जो योजनाएं हैं, जो धन है उसको आवंटित किया, उसके कारण हिमाचल प्रदेश का विकास आगे बढ़ा। हिमाचल प्रदेश को IIM दिया, एम्स दिया, हिमाचल प्रदेश को 62 राष्ट्रीय राजमार्ग दिए। किसी की सरकार नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी जो लाहौल स्पीति के लोग इंतजार कर रहे थे कि जब 2014 में आए थे तब कह रहे थे कि लाहौल स्पीति का आलू जो है वो विश्व स्तर का है और विश्व स्तर पर पहुंचेगा, बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ पर उद्योग लगाने की बात की जा रही थी, वो सारी बातें आज याद नहीं रही। किए हुए वादों को उनकी सरकारों ने कभी पूरा किया हो तो तब जाकर के वो कह सकते हैं, लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने 60 साल में इस देश में शासन किया की बात और हर बार जो आप कांग्रेस पे आ गए ना, सवाल आपसे कुछ पूछ रहे हैं फिर वो आप वो पुरानी चीजों को लेकर घुमाने की कोशिश करते हैं। गणेश दत्त जी ये ठीक नहीं है और पैनल भी बहुत बड़ा है, जो सवाल पूछा जाए कृपया उसका जवाब दें। निराशा के CPM के नेता हमारे साथ कुलदीप सिंह तंवर साहब है। तंवर साहब, ये जो सरकार है आपके प्रदेश की, हमारे प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की, कांग्रेस की सरकार है और सत्ता में जो सरकार है वो मोदी सरकार है, भाजपा की सरकार है, ये जो तालमेल केंद्र का और राज्य का होना चाहिए वो तालमेल कहीं बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको क्या लगता है कि ये जो घोषणाएं होनी चाहिए थी वो घोषणाएं मोदी साहब इसलिए नहीं करके गए क्योंकि सरकार यहां पर भाजपा की नहीं बल्कि कांग्रेस की है और कुछ घोषणाएं करके जाएंगे तो फिर कांग्रेस का फायदा उठा लेती कि ये काम तो हमने करवाए हैं। ২০১৪ में जिस समय नरेंद्र मोदी जी यहां पर आए तो वो एज नरेंद्र मोदी जी यहां पर आए थे, पर जो आज यहां पर नरेंद्र मोदी जी आए वो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के नाते आए थे। उस समय जो बातचीत रखी गई थी चुनाव के लिए और जो बीजेपी का घोषणा पत्र था और जो 2.5 साल में आम मेहनतकश जनता के लिए जो बीजेपी और केंद्रीय सरकार ने जो वादे किए
और उसके माध्यम से अभी इस रैली को मोबिलाइज करने के लिए हिमाचल प्रदेश की जो बीजेपी की राज्य कमेटी थी उन्होंने जिस तरह से एक माहौल बनाया था कि हिमाचल प्रदेश की आम जनता, आम किसान, गरीब लोगों को बहुत कुछ मिलने जा रहा है, वैसा आज इसके अंदर कुछ नहीं दिखा। किसानों के माध्यम से, आम छोटे लोगों के माध्यम से, गरीब लोगों के माध्यम से कुछ मुद्दे उठाए गए थे कुछ दिन पहले। उम्मीद थी कि जैसे सबसे बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में, जहां 90% लोग गांव में बसते हैं, 70% लोग केवल कृषि बागवानी पर निर्भर हैं, और प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की रिकमेंडेशंस के ऊपर जो कहा गया था कि सबको, सब चाहे फल हो सब्जी हो, उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, उस पर कोई बात नहीं हुई। बंदरों की जो समस्या थी उसके निर्यात के लिए पिछले महीने 19 तारीख को कांग्रेस सरकार ने भी इसके ऊपर मीटिंग की थी और कहा था कि प्रधानमंत्री के समक्ष ये बात रखेंगे। हम ये समझते हैं कि कोई भी तालमेल इस समय राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के अंदर नहीं है। वापस आपके पास लौटूंगा, आरोप जो आप लगा रहे हैं, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के तीसरे प्रवक्ता के पास चलते हैं। प्रवीण शर्मा हमारे साथ मंडी से, जहां पर ये रैली हुई, मौजूद है। आज की जो रैली थी बहुत खास रही, क्योंकि सरकारी रैली भी हुई पहले, जिसमें वीरभद्र सिंह बैठे रहे साथ में प्रधानमंत्री साहब के साथ, माननीय राज्यपाल बैठे रहे, और उसके बाद जब आपकी भाजपा की रैली शुरू हुई तो वहां से कुछ दूर जाकर लगभग 30-40 मीटर की दूरी होगी, स्कूल में जाकर बैठ गए मुख्यमंत्री साहब और राज्यपाल साहब। तो इतना खुल के हमला बोलने का मौका नहीं मिल पाया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, चाहे बात हम नड्डा साहब की करें, बात धूमल साहब की करें, या प्रधानमंत्री साहब की करें। इशारों इशारों में हमला बोला, हालांकि वो हमला समझ गए हैं, जिस पर आपत्ति भी जता रहे थे कुलदीप केवल जी। तो क्या कहेंगे आप, आपके हिसाब से क्या रहा, क्योंकि आप युवा नेता हैं भाजपा का, युवा की क्या सोच है, आज की रैली का भाजपा को क्या फायदा हुआ या नुकसान हुआ? मुकेश जी, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमने रैली किस पर्पज के लिए आयोजित की थी। हम लोगों ने कहा था कि 4 साल का जो कांग्रेस सरकार का कुशासन है, हम उससे परिवर्तन चाहते हैं। ये विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की रैली थी। हम परिवर्तन का आह्वान करने के लिए हमने लोगों से आग्रह किया था, और हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता ये थी कि मंडी पार्लियामेंट्री से लाखों की संख्या से मंडी के ऐतिहासिक पड्डल ग्राउंड के बीच में लोग पहुंचे। दूसरा प्रश्न किया था, कितने लाख पहुंच गए प्रवीण जी? तकरीबन हमने पहले कभी दावा नहीं किया था कि हमारी इस रैली, नहीं आप मेरे सिंपल दो दिन सबके में आंसर देना चाहता हूं, सिंपल सा बात कहना चाहता हूं, हमने कभी दावा नहीं किया था। साथ साथ ही चलता रहे ना, कितने लाख? हमने कहा था कि 1.25 लाख लोग के करीब जनता यहाँ पे। अच्छा, हम लोग दावे के साथ कह रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोग इस रैली में पार्टिसिपेट किया, और हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी रैली आज मंडी के ऐतिहासिक पड्डल ग्राउंड में आयोजित की है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमने पहले कभी दावा नहीं किया था कि हम लोग जो है इस रैली में प्रधानमंत्री के माध्यम से घोषणाएं करवाएंगे। हमने कहा था जयराम ठाकुर परिवर्तन चाहते हैं। तीसरी एक और आपको क्योंकि आप कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहे थे, ठाकुर साहब को हम बधाई देते हैं कि आपने एक अच्छी रैली कर दी जिसमें आपके मुताबिक 1 लाख के करीब लोग आ गए। ब्रेक पे जाएं इससे पहले, ये जो पहला राउंड था भूपेंद्र, इसको आप कैसे देखते हैं, और जो हमारे पास जो बाकी नेताओं के बयान आ रहे हैं, उन बयान के बाद क्या इसका निष्कर्ष आप देखते हैं इस रैली का जो आज हुई है हिमाचल में? देखिए, अभी प्रवीण जी ने जैसा खुद कहा है, युवा नेता है, कि परिवर्तन रैली के तौर पे थी। लबोलवाब यह है मुकेश जी, परिवर्तन रैली के तौर पे थी, लेकिन कोई भी नेता मंच से उस तरह से आक्रमण हिमाचल सरकार पे नहीं कर पाया जैसा कि परिवर्तन रैली में होना चाहिए था। दूसरा, जहां तक वादों की बात है, वादे जो किए गए थे या जनता जो उम्मीदें कर रही थी, उनसे भी जनता को कहीं ना कहीं मायूसी हुई है। लेकिन हो सकता है अभी मोदी साहब ये चीजें ना करना चाह रहे हो, चुनाव नजदीक आए तो उसके आसपास इन चीजों का ऐलान करें। लेकिन जहां तक पूरे जो योजना बनाई गई थी रैली के, जो रूपरेखा थी, उसके मुताबिक चीजें हुई हैं भीड़ के हिसाब से। लेकिन जो लोगों को चाहिए था या लोगों की जो उम्मीद थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मायूसी जरूर है। भूपेंद्र, बीच में आपको रोक रहा हूं क्योंकि ब्रेक का समय हो रहा है। ब्रेक में जाने से पहले हम यही कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर आज
खुश हो सकती है कि जो भीड़ जुटाने का प्रयास उन्होंने किया था उसमें काफी हद तक वो कामयाब रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि पीएम आकर अगर यहां पर कोई बड़ी घोषणाएं करेंगे तो जो आने वाले चुनाव में भाजपा को उसका फायदा मिलेगा, तो इस हिसाब से भाजपा के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को भी मायूसी हाथ लगी है। और क्योंकि कांग्रेस तो सत्तारूढ़ पार्टी है, तो जनाब इस वक्त हिमाचल में सरकार कांग्रेस की है, केंद्र में भाजपा की है, तो ज्यादा उम्मीदें तो आपको वैसे ही नहीं पालनी चाहिए थी। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस इसी विषय पर लौटेंगे और मंडी में जो आज मंदी छाई इस रैली की उसके बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। इसलिए कहीं मत जाइए, रिमोट को बिल्कुल हाथ मत लगाइए, हम यूं गए और यूं आए। इस अपनेपन के रिश्ते को शुद्धता के साथ निखार रहा है ब्राह्मी, आंवला, भृंगराज, घृत कुमारी, जटामासी, मेहंदी व नाग केशर आदि बेशकीमती 21 जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि केश कांति तेल विद नेचुरल शैम्पू, एलोवेरा शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू और मिल्क प्रोटीन शैम्पू, जो बनाए आपके बालों को जड़ों से मजबूत, हेयर फॉल और डैंड्रफ आदि प्रॉब्लम से रखे दूर। हर निर्माण में नजर आता है एक इंजीनियर का अंदाज। बिल्ड ब्यूटिफुल अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस। कच्चे रास्तों पर भी डट कर चले बीकेटी टायर। बीकेटी टायर, ट्रैक्टर का सच्चा साथी। अब ऐसे ही लोगों को जान से मारते रहेंगे? अब तक किसी को नहीं मारा, लेकिन अब जो मुझे रोकेगा मरेगा। इस केस को इतना पर्सनली क्यों ले रही हो बेटा? क्योंकि कॉमिक्स की दुनिया के बाहर सुपर हीरोज बहुत कम मिलते हैं सर। लिमिटेड एडिशन अनलिमिटेड पैशन पेश है डैटसन रेडी गो स्पोर्ट। मलमल की थी नरमी, था सोने सा निखार, कभी थी ऐसी त्वचा, आज है हजारों सवार। तुम्हारी त्वचा के निखार को चुराया है केमिकल्स और अननेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने, तभी तो प्रकृति के अपार भंडार से हम खोज कर लाए हैं पतंजलि एलोवेरा जेल, ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, सनस्क्रीन्स, फेस पैक एंड स्क्रब, फेस वॉश, मॉइस्चराइजिंग क्रीम और बॉडी लोशन। थैंक यू पतंजलि। टूथपेस्ट बेचने वाली जिन विदेशी कंपनियों ने दातुन, चारकोल, नीम, हल्दी व नमक आदि प्रकृति के तत्वों को दांतों के लिए हानिकारक बताकर इनका मजाक उड़ाया और हमें असभ्य बताकर केवल केमिकल से बने टूथपेस्ट का प्रचार करके करोड़ों लोगों के दांतों के साथ खिलवाड़ किया, वही ब्रांड अब नीम, नमक व चारकोल आदि के नाम पर आपकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। आप ऐसे छल कपट करने वालों के झांसे में आएंगे या फिर दंत कांति एडवांस्ड अपनाएंगे? यार मेरी फैमिली को बचा लेता प्लीज। आपकी फैमिली को बचाने के चक्कर में मैं अपनी फैमिली को जोखिम में नहीं डाल सकता। थापर साहब, विराट ये टारगेट तो बहुत दूर है। उसी में मजा है। नाइन्टी फाइव KMPL माइलेज के साथ TVS स्पोर्ट
अब कोई टारगेट दूर नहीं। TVS स्पोर्ट, माइलेज का बाप। पतंजलि आटा नूडल्स, इसमें है असली आटा फाइबर, राइस ब्रैन ऑयल और वेजिटेबल्स के गुण। झटपट बनाओ, बेफिक्र खाओ। अब पतंजलि आटा नूडल्स चटपट और क्लासिक सिर्फ 10 रुपए में। विदेशियों को खींचता खूबसूरत वादियों का आकर्षण। It's amazing here, beautiful view, beautiful people, food is great. One of my favorite place in India. हिमाचल की हंसी वादियों में बसा मिनी इजराइल। कसोल को मिनी इजराइल यूं ही नहीं कहा जाता, यहां इजराइल से रोज सैकड़ों लोग यहां घूमने के लिए आते हैं। क्या है एक छोटे कस्बे के मिनी इजराइल बनने की कहानी? यहां के बाजार हो, गलियां या फिर रेस्टोरेंट, हर जगह इजराइल की एक झलक देखने को मिलती है। क्या है सेक्स, ड्रग्स और मस्ती के कॉकटेल का कनेक्शन? कोई ऐसा अतिथि जो कि एक सिरदर्द बन जाए वो सहन नहीं होगा। खून पार्टीज वगैरह होती है या रेप पार्टी आप जिसे कहते हैं, इनमें ड्रग्स का रहता है। मिनी इजराइल, रविवार सुबह 11 बजे। बिग बुलेटिन में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बिग बुलेटिन में बात हो रही है हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी के दौरे की। प्रधानमंत्री आज वहां पर गए और उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग में प्रदेश को केवल 21,000 करोड़ दिए गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15वें वित्त आयोग के दौरान कुल राशि जो दी वो 72,000 करोड़ रुपए की थी। तो केवल सिंह पठानिया जी, कहां गए ये 72,000 करोड़ रुपए? धूमल साहब इसका हिसाब मांगेंगे, ऐसा कह गए हैं मोदी जी। मैं मुकेश जी आपको बताना चाहूंगा कि आज जो 72,000 करोड़ रुपए की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, ये वैसी ही बात है जो हिंदुस्तान की जनता के साथ जो है इन्होंने 15-15 लाख रुपया हर अकाउंट में आने की बात कही थी। तो जिस तरीके से वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने ये 72,000 करोड़ रुपए की बात की, मैं आपको उल्टा बताना चाहूंगा, जो नीति आयोग इन्होंने बनाया है उस नीति आयोग के अंतर्गत पहले तो इन्होंने हर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वर्ल्ड का फंडेड प्रोजेक्ट था उसमें 50-50% स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर रखा, उसके बावजूद बात नहीं चली। तब नीति आयोग के कारण ही बहुत सी ऐसी प्रदेश सरकार की स्कीमें हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। आज ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उन्होंने कहा हम जंगलों को प्रोटेक्ट करते हैं, हम जिस तरीके से पर्यावरण की सुरक्षा पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पे है, उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए की स्पेशल पैकेज की मांग आज रखी थी। उस पर वर्तमान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कोई बात नहीं रखी। जहां तक बात मैं आपको बताऊं, ये पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री इस देवभूमि में आया है और 1 रुपए की घोषणा हिमाचली के लिए न करके गया है। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रामपुर के अंदर आए, उनके प्रतिनिधि जो है पीच नंबी रीजन, समय समय, समय थोड़ा कम है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात है, आई जो IIM की बात, आपका आरोप ये है कि मुख्य मंत्री यहाँ पर भले ही वीरभद्र सिंह है, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने 1 रुपए की घोषणा नहीं की। जयराम ठाकुर जी आपसे मुखातिब हूँ, कांग्रेस कह रही है कि 1 रुपए की घोषणा भी नहीं करके गए प्रधानमंत्री के तौर पर आने के बाद। मैं कहता हूँ 2.5 साल के अंदर आदमी, सुन लीजिए जवाब, सुन लीजिए पठानिया जी। मैं इनको पठानिया जी से एक बात के लिए आग्रह करना चाहता हूँ, बात सुने कम से कम। रोजगार की बात उन्होंने कही थी, मुझे लगता है कि उनको याद नहीं है, इनकी याददाश्त पे बहुत जो है वो बहुत कमजोर हो गई है। इनको ये मालूम होना चाहिए, जब पिछली बार विधानसभा का चुनाव था इन्होंने जो घोषणा पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि हम जो आए सत्ता में जब आएंगे तो वे हिमाचल प्रदेश के सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया? पठानिया जी सुन लीजिए, तो भाषण तो इनके जो छोटे छोटे देता वो गांव गांव में जाकर के भाषण देने के लिए नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश करते रहे और ये की बात कहते रहे कि आप खाता खोल के देखिए आपके खाते में जो है जिसने मैट्रिक की है उसको 1,000 रुपए, जिसने ग्रेजुएशन की है प्लस टू की है उसको जो है वो 1,500 रुपए उसके खाते में मिलेगा। कितने लोगों के खाते में गया? तो मुझे लगता है कि ये
बिना वजह की बातों को लेकर के जो है ये इनको एक मोदी जी का एक कारण जो है इस तरह से एक दहशत के माहौल में ये लोग जी रहे हैं। कांग्रेस पूरे देश में, ये हिमाचल प्रदेश की बात नहीं है, पूरे पूरे देश की स्थिति है। जहां भी मोदी जी जा रहे हैं इनकी परेशानी तो ये है कि मोदी जी देश में तो परेशान, विदेश जाए तो ज्यादा। सुन लीजिए क्या हो गया आज आपको जी, मुझे लगता है ये वापस आपके पास लौटने की कोशिश करूंगा। एक बार हम करते हैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, तरीका इन्होंने निकाला है कि जब बात सुननी नहीं है जो ठाकुर साहब कह रहे हैं कि मोदी का खौफ पैदा हो गया और उस खौफ के चलते आप लोग ये बातें कर रहे हैं। असल में दूसरी बात, ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है जितना तिल का ताड़ आप लोग बना रहे हैं। सही बात है, गरीब जनता ने कौशल सर जी, नरेश जी, मैं सिर्फ एक बात, मेरी बात अगर मुझे लगता है कि एक ध्यान से सुनेंगे, मुझे लगता है उनको कुछ समझ में आ जाएगी बात। अभी तो मोदी जी का ये पहला दौरा हिमाचल प्रदेश का है, अभी कई दौरे होने वाले हैं और इनको ये भी अच्छी तरह से मान के चलना चाहिए। मोदी जी ने 3 प्रोजेक्ट जो हजारों करोड़ की लागत से बन करके तैयार हुए उनको देश के लिए, प्रदेश के लिए समर्पित किया। अच्छा, आप तो ये तो नहीं कह रहे थे कि अभी तो थोड़ा इलेक्शन में टाइम है, जब इलेक्शन रैली होगी तो उस दौरान मोदी साहब आएंगे और सुनने की कोशिश तो करें ये लोग, झड़ी लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये भी इनको समझना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में ये कह रहे हैं कि भाई कोई पैसा नहीं मिला। मैं एक ही विभाग की बात कहना चाहता हूं, पंचायती राज विभाग में 14 फाइनेंस कमीशन का पैसा जो है 300 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, एक साल से पड़ा हुआ है, एक पैसा उसमें से खर्च नहीं कर पा रहे ये लोग। और हिमाचल प्रदेश में जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने जो कृषि बीमा योजना का जिसका जिक्र किया है, उसकी उसको एग्जीक्यूट करने के उसके एजेंसी जो कौन सी होगी उसकी, उसके बारे में आज जिक्र हुआ तो उसमें अभी तक वो तय नहीं किया है। तो जानबूझ करके केंद्र सरकार की जो लोकप्रिय नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लागू नहीं करना चाहती है क्योंकि उसका लाभ सीधा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना लग रही है, डर लग रहा है। के माहौल में जहां पूरे देश भर में कांग्रेस इस वक्त जी रही है और हिमाचल प्रदेश में भी एक दहशत के माहौल में कांग्रेस आज की तारीख में जी रही है जी, दहशत के माहौल में जी रही है कांग्रेस। नरेश चौहान जी, आवाज आ रही है तो आप जवाब दे सकते हैं। जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि मोदी की दहशत है और कांग्रेस इस वक्त दहशत के माहौल में है, सही बात है ये? देखिए नहीं, बिल्कुल मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ और ठाकुर साहब से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को कोई दहशत नहीं है, वक्त पूरा है, वक्त पूरा होने के बाद ये जाने वाले हैं। आज हम भी स्वागत कर रहे थे कांग्रेस के लोगों को भी यही उम्मीद थी और प्रदेश की जनता को भी यही उम्मीद थी। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व भी और कार्यकर्ता भी निराश हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने न केवल हिमाचल के लोगों को बल्कि अपने परिवार के लोगों को भी निराश किया, जैसे उन्होंने पूरे देश को निराश किया है। अपनी बातें जो कही थी कांग्रेस पार्टी, एक विभाग का एक मंत्री आकर के यहाँ पर उस पे आप ये छोड़िए, आप जो बातें 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को जो बातें कही थी, ये कौन मुद्दे जो चल रहे थे ना, जैसे रेलवे प्रोजेक्ट की बात चल रही थी, कहते हैं वो जुमले बन गए, लाहौल स्पीति के आलू की बात चल रही थी, यहाँ पर रोजगार के लिए और उद्योग लगाने की बातचीत चल रही थी, उन बातों का कहीं जिक्र नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी की बातें कांग्रेस बन चुकी है और जो हिमाचल के लोग हैं वो मायूस हैं। ठाकुर साहब थे उसकी याद नहीं है इनको। मुझे सिर्फ इतनी बात कहनी है कि कार्यकाल हिमाचल प्रदेश की सरकार का समाप्त होने की दिशा में जा रहा है, ना कि केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का भी 2.5 साल का कार्यकाल बाकी है, ये पहला दौरा है और इस दौरे के दौरान 3 प्रोजेक्ट, हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो है हिमाचल में आकर के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर जो है समर्पित किए हैं, उनका उनका जो उद्घाटन किया है, इनको इस बात को समझना चाहिए और उसके साथ साथ मुझे लगता है इस बात को समझना चाहिए जो। चलिए एक बार सीपीएम की राय लेते हैं, सीपीएम क्योंकि हमेशा से ही विपक्षी पार्टी के तौर पर रही है कांग्रेस और भाजपा, तो 5-5 साल में कि एनडीए की सरकार जो अटल जी थे प्रधानमंत्री, जो कांग्रेस और भाजपा में जो बहस हो रही है शुरू किए गए, इसमें क्या लग रहा है? क्योंकि 5 साल हिमाचल में जो इतिहास रहा है, 5 साल कांग्रेस के, 5 साल बीजेपी के, और ये जो आरोप प्रत्यारोप है लगातार चलते रहते हैं, बशर्ते कि जो सत्तारूढ़ पार्टी राज्य की और केंद्र की एक ना हो। क्या लगता है आपको, नरेंद्र मोदी साहब
ने जो अपना पिटारा है वो इसलिए नहीं खोला कि जब चुनाव बिल्कुल सिर पे होंगे तब आएंगे, एक बड़ी रैली करेंगे और तब सौगात कि हम झड़ी लगा देंगे। मुकेश जी, हमारी समझ है केंद्र में चाहे सेम पार्टी की सरकार हो या विरोधी दल की सरकार हो, हिमाचल की हर बार अनदेखी की गई है। हिमाचल प्रदेश में जहां पर दो तिहाई जमीन के ऊपर जंगल है, जिसके एवज में ना एक आम आदमी को आज टीडी मिलती है, ना एक हिमाचल प्रदेश सरकार को जो लगभग 1000 से ज्यादा करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलना था वो नहीं मिलता, उसके कॉन्टेक्स्ट में आज हिमाचल प्रदेश को एक भी पैसा नहीं मिल रहा। और इस समय जो बहुत लोगों को उम्मीद थी कि यहां पर कोई आर्थिक पैकेज यहां पर अनाउंस किया जाएगा कि लोग खेती बाड़ी या जंगल के ऊपर जो आधारित लोग डिपेंड थे वहां से हट करके किसी उद्योग में जाएं, तो ये था। दूसरा, मैं इस बात को यहां पर करेक्ट करना चाहूंगा कि ये जो बात हो रही है ये 14वें वित्त आयोग की है। इस समय आजकल 2015 से 2020 तक 14वां वित्त आयोग है, और जो आज बात की गई है 14वें वित्त आयोग की जो तैयारी है वो 2013 में शुरू हो गई थी, उस समय यूपीए 2 की सरकार थी, उसके टर्म्स एंड रेफरेंसेस उस समय तय हो गए थे, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन बीजेपी ने नहीं किया। बीजेपी क्या करेगी? नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, ये बात सुनिए, ये तो जो आंकड़ा दिया है प्रधानमंत्री ने वो ये दिया है कि उस वक्त जो पैसा दिया गया था 14वें वित्त आयोग में वो था 21,000 करोड़ रुपए, और जो 15वां वित्त आयोग है इसमें ये रकम बढ़ाकर 72,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। 21,000 करोड़ रुपए से 72,000 करोड़, यानी डिफरेंस तो काफी है। 15वां वित्त आयोग 2020 फर्स्ट अप्रैल को शुरू होगा, ये तो फैक्ट्स हैं, इसमें डिस्कशन की जरूरत नहीं है। 15वां वित्त आयोग 2020 के अंदर शुरू होगा, दैट इज वन पॉइंट। मगर तो उसमें डिफरेंस है ना जी, 21 से 72 रुपए की बात की जा रही है, उसमें बहुत जो प्रवीण जी आपके पास हम आ रहे हैं अभी, आपके वरिष्ठ नेता ठाकुर जयराम जी कह रहे थे जी कि ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का, ये अभी 2.5 साल हुए हैं केंद्र की सरकार को, और दूसरी तरफ हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज होने की तैयारी करेगी इतिहास के अनुसार। तो अब आपको क्या लगता है, क्योंकि आप धूमल साहब के भी काफी करीबी रहे हैं, और जब ये रैली हो रही होगी या इसके बाद भी जो बड़े बड़े नेता, ठाकुर साहब तो आपके साथ ही बैठे हैं, तो क्या ये प्लानिंग है कि अभी घोषणा नहीं करेंगे जी, जब चुनाव नजदीक आने वाले होंगे तब हम घोषणा करेंगे ताकि जनता पूरी की पूरी उमड़ पड़े भारतीय जनता पार्टी पे? अभी कुछ मत कहिए, अभी खाली सेपू बड़ी की बात कीजिए, यहाँ पे प्रभारी रहे इसकी बात कीजिए, हिमाचल उनका दूसरा घर है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का दूसरा घर है, अच्छी अच्छी बातें कीजिए और अभी घोषणाओं का पिटारा बंद रखिए, इसको हवा मत लगने दीजिए। मुकेश जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर की पिछले 10 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए या उनका बयान देख लीजिए जिसमें हमने ये कहा हो, हमने ये दावा किया हो कि प्रधानमंत्री जी फलां घोषणा करेंगे। दूसरी बात, वो दावा तो आप कर ही नहीं, कांग्रेस का दर्द भली भांति समझ सकता हूं, प्रधानमंत्री जी का पटल ग्राम कर रहा है, जब यहां पे प्रभारी भी रहे हैं, इसी उम्मीद कर रहे थे लोग, इसी चीज को लेकर आता हूं, लोगों के हिसाब से, विपक्ष के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, इसी बात को लेकर आ रहा हूं। कांग्रेस के दर्द को मैं और कम्युनिस्ट पार्टी के दर्द को मैं बहुत भली भांति समझ सकता हूं। पठानिया जी बात कर रहे हैं 1000 करोड़ रुपए की, 70,000 करोड़ रुपए पिछले 2.5 वर्षों में मिल गया, उसका उन्हें ना खुशी है, परंतु 1000 करोड़ रुपए की घोषणा नहीं कर गए हैं, इसके लिए उन्होंने हवा मचा रखा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वर्ष 2007 में आदरणीय जयराम ठाकुर जी तब प्रदेश अध्यक्ष थे, हम लोगों ने इसी पड्डल के ऐतिहासिक ग्राउंड के अंदर एक रैली की थी, सरकार बदलो हालात बदलो, कांग्रेस की सरकार गई, उसके पश्चात इसी पड्डल ग्राउंड के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रैली की, रानी हारी, कांग्रेस ने चारों सीटें गवाई, उसके पश्चात आज हम लोगों ने दोबारा से एक रैली की है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस की उल्टी गिनती के दिन शुरू हो गए हैं।
कांग्रेस का भय अभी से दिख रहा है। कांग्रेस और कुछ नहीं चाहिए, कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती। अगर कांग्रेस चाहती तो 10 सालों तक गणेश दत्त जी के पास चलते हैं। गणेश दत्त जी, आपका जो तजुर्बा है, क्योंकि प्रधानमंत्री आए होंगे, जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जिनमें धूमल साहब हैं, शांता कुमार जी हैं, नड्डा साहब हैं, क्या कुछ ऐसा ब्रीफ किया होगा कि अभी रहने देते हैं जी, चुनाव दूर हैं, अभी थोड़ा समय और है, और चुनाव की रैली में तो आप आएंगे तो उस वक्त घोषणा करेंगे, अभी घोषणा करेंगे तो घोषणा पुरानी हो जाएगी और चुनाव पे उसका असर नहीं पड़ेगा, कुछ ऐसी बात रही जिसका फायदा आज कांग्रेस उठा रही है कि एक रुपया भी नहीं दे गए, मुकेश जी जो कोई वायदा नहीं कर गए, हिमाचल को केवल अपना घर बताकर और सेपू बड़ी की बात करके निकल लिए। जो पैसा दिया जा रहा है उसका ठीक प्रकार से उपयोग हो, कि उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की जनता शांता कुमार जी को पानी के मुख्यमंत्री के रूप में जानती है, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी को सड़कों के मुख्यमंत्री के रूप में जानती है, तो अब बीरभद्र सिंह जी के बारे में उन्होंने जनता से पूछा तो जनता की तरफ से आवाज आई कि ये भ्रष्टाचार के रूप से जाने जाते हैं। जहाँ तक ये 15 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, 15 लाख रुपए उन्होंने कहा था कि हर आदमी को जेब में जाएंगे, और जितना भी काला धन है वो बेईमानों की जेब। केवल जी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट भी चाहिए, और रैली में आप ही के लोग बैठे थे इसलिए ऐसा बोल रहे हैं जी। भूपेंद्र जी, क्योंकि समय कम होता जा रहा है और जो आरोप प्रत्यारोप है वो गरमाते जा रहे हैं, लेकिन हम कहें कि जो आज की रैली है इसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या खोया क्या पाया, और जो कांग्रेस कह रही है उसमें राजनीतिक बातें कितनी हैं, और आप अगर धरातल की बात करें तो उसमें क्या वीरभद्र सिंह को लग रहा था कि मोदी साहब आएंगे तो उन्हें काफी इनाम देकर जाएंगे? देखिए मुकेश जी, ये जो रैली थी, मैं कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि एक ऑल मैटर ऑफ टाइम, ये टाइमिंग जो थी, अभी इलेक्शन के लिए एक साल से ज्यादा का वक्त है, करीब एक साल के करीब है। ये जो वीरभद्र जी को भी कोई उम्मीद नहीं पाली होगी क्योंकि वो कांग्रेस के हैं और सेंटर की गवर्नमेंट बीजेपी, लेकिन किसानों ने, बागवानों ने, इन सभी लोगों ने जो हिमाचल के जो तबका है, हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्र का, ये काफी उम्मीद कर सकते हैं। इन्होंने उम्मीद भी बांधी होगी कि पीएम आएंगे, बहुत कुछ दे के जाएंगे, और हालात कहीं ना कहीं ये बीजेपी के मुखड़े से भी खुद ही निकल रहा है कि अभी बहुत वक्त है, बहुत सारी रैलियां होनी है, आने वाले वक्त में पीएम साहब आएंगे और वो कुछ दे के जाएंगे। ये कुल मिला के ये है कि आप इंतजार करिए, अगली रैली होगी तो हम कुछ ना कुछ जरूर देंगे। तो मतलब ये है कि मतलब अभी वो खुद मान रहे हैं, हमारे मित्र लगातार बोल रहे हैं, एक बार इनसे चलते चलते जान लेते हैं। पठानिया जी, आप क्यों आज इतना दुखी हैं? उन्होंने वीरभद्र सिंह का नाम तो लिया ही नहीं उसमें, पता नहीं कौन से मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे वो। उन्होंने तो दो मुख्यमंत्रियों के नाम लिए, पूर्व मुख्यमंत्री का, शांता कुमार का, धूमल का, आप क्यों इतना बुरा मान गए? उन्होंने वीरभद्र सिंह का नाम तो लिया नहीं अपनी जुबान से, स्वीकार नहीं की जाएगी। ये मोदी जी का आज का सीधा संदेश है और इसको कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए। हिसाब किताब जो है हर प्रदेश सरकार देती है, जहाँ ये जरूर। बहरहाल आज का ये जो बुलेटिन है इसको अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन इस रैली के बाद अब आप कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के या सीपीएम के या दूसरी जो पार्टियां चुनाव लड़ना चाहती हैं वो तैयार हो जाएं, क्योंकि अब चुनाव की आहट आ चुकी है। बहरहाल आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश पर, हमेशा की तरह खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।